ईद की खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हों। अच्छा, ये ईद है और ये खुशियों भरी ईद होती है, सवैयों से आगाज़ होता है, मीठी मीठी सवैयाँ। ये खुद हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर थी दुनिया इस्लाम की, जो पहली से फिर दो सेकंड टाइम भी बनी। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा का ईद स्पेशल शो। और आज ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हों। अच्छा, ये ईद है और ये खुशियों भरी ईद होती है, सवैयों से आगाज़ होता है, मीठी मीठी सवैयाँ और खुशियाँ बांटने का दिन होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ईद पर भी अपने दिलों की जो रंजिशें हैं, जो ग्रजिज़ हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा ईद पर ख़ास तौर पर पैगाम देने की कोशिश करती हूँ कि आपस की रंजिशों को भुलाएँ, जो रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं उनको मनाएँ, जो दोस्त आपसे नाराज़ हैं उनको मनाएँ। अगर वो पहल नहीं करते तो आप पहल करें, केक लें, अच्छा सा सवैयाँ जो बनाई वो लें, उनके घर चले जाएँ और यकीनी तौर पर जब आप पहल करेंगे तो उनका दिल भी नर्म हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासी शख्सियत हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं नंबर वन लॉयर कह दूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी मौजूद हैं, आज हम मज़े मज़े की उनसे बातें करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया मुसरत साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज सियासत की बात हम कम करेंगे, लेकिन मैं आगाज़ में कह दूँ कि कोशिश करेंगे सियासत की बात ना हो, लेकिन जब एक सहाफ़ी प्रोग्राम कर रहा हो, इंटरव्यू कर रहा हो और साथ कोई सियासतदान हो तो सियासत की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी पहले तो मेरी जानिब से आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी मेरी जानिब से, मेरी तरफ से, की जानिब से, सारे अहालियान पाकिस्तान को, आपके सारे चैनल को, आपके सारे माशाल्लाह जितने इंजीनियर्स हैं, आपके जितने एंकर्स हैं, आपके जितने और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ईद की खुशियों को दोबारा करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अपना हिफ्ज़ो अमान में रखे और तरक्की और मनाज़िल जो है तय करता रहे, अल्लाह आवाम को खुशहाली नसीब करे। ठीक है जी। अच्छा, आवाम की खुशहाली का ताल्लुक सियासतदानों से भी जुड़ा होता है? वो तो सभी के साथ है, सियासतदानों पर आप खुशहाली देनी है। नहीं नहीं फिजा, सियासतदानों पर मलबा क्यों डाल देते हो? अरे बाबा, पाकिस्तान सारे में सारे लोगों को जो है खुशहाली में अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। आपने अच्छी बात की, बिल्कुल सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, ईद के हवाले से ईद शो जब आप देखते होंगे तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है और ये बड़ा रिवायती सा सवाल बन चुका है और ये बोर नहीं होता कोई सवाल को सुन के, कि बचपन की ईद में और बड़े होने के बाद जो ईद है उसमें क्या फ़र्क है? भूसा साहब आप पहले, फिर आपसे पूछूंगी, बचपन की ईद और बड़े होने के बाद जो ईद थी, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत फर्क है। बचपन में लिया करते थे ईदी, अब कंगाल हो जाते हैं, दे दे के हलकान हो जाता है। अच्छा, आपको ईदी देते हैं आपके ये आपके हस्बैंड आपको ईदी देते हैं? सच बोलो, बिल्कुल सच बोले, आज सच बोल रहे हैं। नहीं देते, क्यों भाई, क्यों नहीं देते आप ईदी? नेवर। ये सारी दुनिया में जो ईदी बांटती है, नेवर 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 नो। अच्छा, शॉपिंग आप इनकी वेले दी नमाज तक वेले दिया टकरा। अच्छा, ये बताएं कि शॉपिंग आप इनकी करती हैं, ये आपके लिए करते हैं या इकट्ठे जाके शॉपिंग करते हैं ईद की? जिसका जो जो जी चाहे वो करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये तो बड़ा आपका अमेरिकन सिस्टम है भाई। और नहीं जी, मैं बाहर जाता हूँ तो इतनी बड़ी लिस्ट बेगम साहब दे देती हैं कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। अच्छा, ये बड़ी वैसे अच्छी बात है, वेरी इंप्रेस्ड कि आप लेकर आते हैं फिर वो सब कुछ। तो क्या करें, वापस घर में आना है कि नहीं आना। अच्छा, शॉपिंग की है कभी बेगम साहिबा के कपड़े उनके खरीदे? मेकअप, क्योंकि मेकअप में मंगवाती हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेड। ठीक है, इम्पोर्टेड आजकल बड़ा फेमस है, देख लें सारे यहाँ तो इम्पोर्टेड हुकूमतें भी इम्पोर्टेड अब आना शुरू हो गई है, तो फिर ये पता नहीं कैसे इम्पोर्टेड को। तो मेकअप अब मजबूरी है, मैं नहीं गई तो ले आए। अच्छा जी, अब फैमिली के बारे में ज़रा बताएं, आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, फिर एज अ फादर आपका किरदार कैसा रहा? बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज में जा रहे, तो कहते तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखें, ये तो अल्लाह की जानिब से ही होता है। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो इतना वक्त अपने औलाद को नहीं दे सकते जो मैं समझता हूँ देना चाहिए, इसलिए कि माएँ भी मसरूफ़ हैं, बाप भी मसरूफ़ है अपने अपना, तो बच्चे जो हैं आजकल तो वैसे ही इंटरनेट के दौर में तो बहुत ज़्यादा ये जो है ग्लूड हैं टू द टेलीविज़न है, ये आपका जो है लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, सेट है, सारा इस चीज़ पर बहुत है।
और ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। पहले हमारे ज़माने स्पोर्ट्स बहुत हुआ करती थी, आपकी गेम्स हुआ करती थी। अच्छा, तो गेम भी कंप्यूटर पे और आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई ना? जी हाँ, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, उससे एक इंट्रोवर्ट हो गए हैं वो बच्चे जो है ना, वो सोशलाइजेशन में एक अपना एक लर्निंग होती थी, एक एजुकेशन होती थी, एक आपका जो है बहुत ज़्यादा सोशल सेटअप में वो उसका फुकदान हो गया किस्मत, और उससे काफ़ी सारी जो है ग्रोथ हमारी जो है रुकी है, आपस में आपका रिलेशनशिप छेड़ दिया। तो आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड कि पेरेंट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें अपनी औलाद के साथ। बच्चे चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, उससे एक गैप आ गया है, जनरेशन गैप आ गया है हमारी एल्डरली उसमें और हमारी जो नई जेनरेशन है उसमें गैप आ गया है। तो अच्छा, आप इस बात से अग्री करती हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक अच्छा टाइम कोई रखना चाहिए घर में, लेकिन अक्सर बच्चों का गिला होता है कि जी माँ बाप हमें टाइम नहीं देते हैं, या बहुत मसरूफ रहते हैं, काम में मसरूफ रहते हैं, तो उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अजीब सी बात हो गई है, मेरा नींद का और इबादत का वो टाइम होता है, बेटी का उठने का टाइम होता है, सारी रात इंटरनेट पे वो जागते हैं, और लंच के टाइम पे वो एक ब्रंच या ब्रेकफास्ट एक मिक्सचर बना ले आप। वो रात को शाम को मैं कहती हूँ जल्दी आया करो, वो कहती है कि नहीं फिर हम चले जाएंगे, ये क्या बात है ये तो। ठीक है, यानी माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चे आजकल। इमोशनल बिल्कुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो माँ बाप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, सारी बातें उनकी मसरूफियत तो नहीं, बच्चों के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, बहुत से वालिदैन ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज के खासतौर पे जो दो दो नौकरियां कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो अगर आप बहुत वेल ऑफ भी हैं तो सारी बातें उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का फिर भी गिला एक रहता है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? वेल, मेरे ख्याल में तो बच्चों का जायज़ है। बच्चे देखें, आपको वो कहते हैं जी इन्हें उनकी पता होगा जी, वो अब एक अजीब ट्रेंड है कि बच्चा अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा अपने आप को समझता है कि मैं दुनियादारी में भी ज़्यादा जानता हूँ, तालीम में भी ज़्यादा। हम नई जनरेशन है तो हमें ज़्यादा पता है। एग्जैक्टली, और पेरेंट्स में ये जो क्रेडिबिलिटी एक गैप आ गया ना, इसको पेरेंट्स को ही उनकी लेवल पर जाना पड़ेगा, ताकि बच्चों के लेवल पर जाकर आप उनको समझो। यानी माइंड गेम है ना, एक माइंड गेम, कि बच्चों की नफ्सियात को समझें। बच्चे को कहो जी ये तो बेवकूफ़ है, अभी इसको पता ही नहीं है, मेरा तजर्बा जो है वो, अगर आप थ्रस्ट करने की कोशिश करोगे, इम्पोज करने की कोशिश करोगे, तो वो उस पर असर नहीं होगा, ज़्यादा ख़राब होगा, उस पर असर नहीं होगी, उसके अंदर जो है एक फासला आपसा बढ़ता चला जाएगा, और वो खलीज जो है वो ज़्यादा खौफनाक खतरनाक होगी, और बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी। आपको बच्चे की लेवल पर ही जाना पड़ेगा, अगर उसको आपने समझना है, यस, उसके साथ आपने जो है हमनवा होना है और उसकी ख्वाहिशात को समझना है, तो उसकी लेवल पर फिर बच्चे पे कभी फोर्स ना करें आप। बच्चे की जो अपनी एक सलाहियतें हैं उनको आप उजागर करके, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, चूंकि हम लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पंजाब में तो बच्चे के लिए पहले ही ना, बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू होता तो पहले ये एक डिसाइड कर लिया जाता है, वड्डाओ के डॉक्टर बनेगा या वड्डाओ के इंजीनियर बनेगा, तो बच्चे से भी पूछ लें कि मैं आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन शुक्र है ये चीज थोड़ी चेंज हुई। पहले तो रिश्ते भी तय हो जाते थे, रिश्ते तय हो जाते थे, हां, पेट से ही तय हो जाते थे कि जब बच्चा पैदा होता था कि इसका, इसकी शादी फूफो के घर होगी, इसकी मामू के घर होगी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की आपस में भी लड़ाई हो जाती थी कि आप चाहेंगे कि मेरे भाई के घर बच्चे का रिश्ता हो जाए, आप कहेंगे मेरी बहन के घर हो जाए, ऐसा आपके कहां से हुआ ना? बिल्कुल ठीक है, हमने तो बच्चों को उस अंदाज में बहुत आज़ादी दी है। अच्छा, अब तो बच्चों ने आसान कर दिए माँ बाप के लिए मामला, कि बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं रिश्ता जहाँ करना होता है, और माँ बाप को बस बता देते हैं कि आपने फलान दिन जाके बस बात कर ली है। नहीं, ऐसा इत्तेफाक बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है आजकल हमारे यहाँ, हो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बच्चों से बढ़ के दुनिया में, लेकिन माँ बाप का हक होता है बच्चों पर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये डिफरेंस। अब मेरे फोन में कोई खराबी हो जाए, ये तो कह रहे हैं ना नीचे लेवल पे जाना पड़ेगा, ओ, वो उनकी लेवल ही हमारे से बहुत आगे है। कंप्यूटर वगैरह कोई खराबी हो जाए तो वो इतना सा मेरा ग्रैंडसन ही विल पुट मी टू शेम, वो ठीक करके दे देगा और मैं सिर खपा खपा के मर जाऊंगी, मुझे नहीं। अच्छा, ये छोटे बच्चे में हैरान होते कि 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे, उनको पता है कि फोन को कैसे आपने, अगर YouTube वीडियोस चल रही हैं तो आपने कैसे इसको आगे लेकर जाना है। अभी जो बच्चे आजकल कोको मेलन बहुत देखते हैं, बेबी शार्क और ये डिफरेंट चीज, अगर एड आ गया तो वो कहते हैं कि मैंने 1-1.5 साल के बच्चों को देखा कि एड आता है तो उनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपनी माँ को बाप को अपनी अंदाज में अपनी जबान में समझाते हैं कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं, इसको आगे करें, और जो हम देख रहे थे दोबारा उस वो लगाएंगे।
वो ऐसी ऐसी गेम्स लगाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से ऐप्स खोल लेते हैं, वो चैनल्स खोल लेते हैं, सब कुछ माशाल्लाह आजकल के बच्चे। अच्छा, ये तो एक अच्छी चीज है ना कि बच्चे सीख रहे, टेक्नोलॉजी फैमिलियर है, टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े आगे निकल गए हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, मैं तो बुद्धू हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपको कभी मसला होता है कि आपको टेक्नोलॉजी का पता उस तरह होना चाहिए जिससे यंग जनरेशन को पता है, कभी आपको लगता है कि ये एक फ्लॉ है, इसको फिक्स होना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, आप दोनों से मेरे से ना कि दिल से निकली हुई हाँ या ख्वाहिश अरश तक जाती है तो समझ नहीं आती थी, अब टेक्नोलॉजी देखे ना, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन की तहों में और आसमान की फिजाओं में इतनी वसत और ताकत दी है, तुम तजस्स करो, मैं तुम्हारे लिए तसखर करूँगा। ये जो रिसर्च का जो हमारा मादा था, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी तो जंग लग गई ना, ये जो मुल्ला ने हमारा एक फतवे दे के और हमें, आप देखें सर सैयद अहमद खान पे भी अंग्रेज़ी पे पाबंदी इन्होंने लगाया कि काफिर होगा जो अंग्रेज़ी पढ़े, तो उस पर भी कुफर के फतवे लगे, कायदे आज़म पे कुफर के फतवे। अच्छा, अंग्रेज़ी मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज है जो कि आना बड़ी ज़रूरी है, आप इंटरनेशनली कहीं जाते हैं, लैंग्वेजेस आप अपनी भी डेवलप करें, अंग्रेज़ी देखें जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है या जिसमें आप सीखने के लिए, तो आपको इतनी तो आनी चाहिए ना कि आप समझ सकें, कोई ज़बान भी आपको सीखनी पड़े जिसमें आपको तजस्स का मादा हो, जिसमें रिसर्च ओरिएंटेशन हो। अब जिन्होंने रिसर्च, कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती, हम किसी ज़माने में अरूज पर थे, उफक पर थे, तिब में देखें आप, जियोमेट्री में देखें आप, साइंसेज में देखें आप, फल्कियात में देखें आप, मुसलमान ही मुसलमान आपको नजर आएंगे, अबू सीना को देख, यानी आप सारी चीज़ों में आपके मुसलमान होंगे, और इनहतात हमारी ऐसी आई है कि अब हर चीज़ में हम उनके जो है मुजिद नहीं है, मुजावर बन के रह गए। तो क्या वजह आपको क्या नजर आती, क्या देखिए वो वजह मैं समझता हूँ बहुत सारी वजूहत हैं उसकी, एक तो ये है आपकी जब हिलाकू खाना है उसने लाइब्रेरियाँ आपकी सारी जला दी, कत्लो गारत गरी हुई जिस तरह से, और फिर दूसरा ये है कि मुल्ला ने फतवे लगाने शुरू कर दिए, तस्वीर ये कुफर है, ये कुफर है, ये कुफर है, इससे आगे ना सोचो, इससे आगे तो आपका जो है वो जंग लग गया, आप पर जो है कुफर के फतवे उन्होंने इतने लगा दिए, वो रुक गई, ग्रोथ रुक गई आपकी, जो एक तजस्स का मादा था, एक रिसर्च की ओरिएंटेशन थी, वो आपकी रुक गई। अब आप देखें कि जिन्होंने तजस्स किया उन्होंने ज़मीन की तहों से एटम निकाल दिया, उन्होंने तेल निकाला, गैस निकाला, उन्होंने सारी मादियात आज देखें, फिर इसी तरह फल्कियात में जो उन्होंने कहा फिजा में मैंने इतनी वसत की है, फिजा में आप देखें कि जब तिश्तरी आप देखा करते थे एक ज़माने में, एक अलादीन की या वो दी अरब वो देखा करते थे, अब वो तिश्तरियाँ आपको नज़र आती हैं, जहाज़ हैं, सुपरसोनिक हैं, फिर इसी तरह आप देखेंगे आपके फासले सिमट गए, आप यहाँ बैठकर सारी दुनिया के कारोबार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते, आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो एक दुनिया के हिस्से से लेकर दूसरी दुनिया के हिस्सों से, अब मीटिंग करने के लिए भी आपको तीन तीन चार चार आपको इंटरकनेक्ट होकर आप यहीं बैठकर सारा कुछ कर सकते, तो फासले सिमट गए और ये चीज़ें जो हैं अब आपकी ग्लोबलाइज हो गई हैं, हम इसमें बहुत पीछे रह गए। मैं जब गवर्नर था यकीन करें तो मैंने 36 यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने सारे वाइस चांसलर को बुलाया, मैंने कहा भाई देखो ये तीन किस्म के हमारे जो पंजाब में निज़ाम पाकिस्तान में तालीमी चल रहे हैं इसमें कोई हम आहंगी नहीं आ रही है, एक हमारा आ रहा है इलीट इंग्लिश मीडियम ए लेवल ओ लेवल। अच्छा, ये बात वैसे इमरान खान साहब भी करते रहे बहुत, देखिए मैंने तो प्रैक्टिकली करके दिखाई ना, तो मैंने दूसरा जो है हमारा पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो जो है जिसमें फिर एक एक दूसरे से मुताहरिब है, नफरत करते हैं एक दूसरे से, तीसरा हमारा कंपटीशन और वो भी बड़ा ही अजीब, तीसरा हमारा मदरसे से निकल रहा है, मदरसों में से भी हमारी बहुत बड़ी खेप एक तालीम में निकल रही है बच्चों की, ये हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, लेकिन तीनों जो है डिफरेंट संत में जा रहे हैं और तीनों एक दूसरे से छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कैसे आप रियासत को चलाओगे? तो फिर मैंने कहा कि भाई इंटरनेशनल ये रटा बेसिस है एक, फिर मैंने कहा इंटरनेशनल बैकलरीट सिस्टम जो 140 ममालिक में दुनिया में है, जो नॉलेज बेस्ड ईरा में है, नॉलेज बेस्ड, ये आपका सारा निज़ाम जो है ये फरसूदा है, आप जो है उनको डिग्रियां दे के कागज़ का पुर्जा पकड़ा के वो जाके नौकरियां ढूंढते रहें, हलकान होते रहें, बिल्कुल, तो ये आप जॉब सीकर्स क्रिएट कर रहे हो आप अपनी तालीमी निज़ाम में, आप जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस करो, यानी एक लिहाज से आप वो तब्दीली कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी आपको लगता है कि तब्दीली की कोशिश करते हैं तो सही है वो?
देखिए इमरान खान की मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करूँगा कि इमरान खान ने जो एक फिक्री इंतशार पैदा करके, जो एक सोसाइटी में एक तफरीक पैदा करके, जो एक ज़बान उन्होंने एक गैर शाइस्ता ज़बान करके, जो चोर डाकू की रट लगाकर और गलत किस्म के नाम देकर जो उन्होंने नफरतें पैदा कर दी हैं सोसाइटी में, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत था। देखें हुकूमतें रियासतें नहीं चल सकती हैं जब तक ट्रेजरी यानी हुकूमत और अपोजिशन जब तक ये वर्किंग रिलेशनशिप में ना हो तब तक रियासत नहीं चल सकती। पार्लियामान को बेतौकीर नहीं कर सकते हैं। पार्लियामान में लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठकर आपको मामला तय करना पड़ते हैं। आप जब तक इख्तलाफ़ राय को फरोग नहीं देंगे बेहतर नहज नहीं निकलेगी। उसी में होती है, आप कोई भी अकल कुल नहीं होता है। अगर आप समझें कि मैं अकल कुल हूँ, मैं जो कह रहा हूँ यही है, इसी को मुसल्लत करना है, हमने रियासत भी इसी तरह चलनी है, तो ये मामला ऐसे नहीं चला करते हैं। अपोजिशन बहुत अहम होती है। ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो गलती की है, ये इसका तो खमियाजा हमें पता नहीं कितनी नस्लों तक भुगतना पड़ेगा। आज भी हम जंग के तबल बजा के सियासत में चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जंग का तबल बजा के आप सियासत नहीं कर सकते। और इस सब सिचुएशन में कौन बड़ी कंफ्यूज्ड है? देखिए ये पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये नफरतों के जो हमने ये बदकिस्मती से, और इसके सबसे बड़े मूजद मोहतरम इमरान खान साहब हैं। खुदारा आप अब ठहराव में आ जाइएगा, अब आप कंटेनर से ज़रा उधर आएँ, आप बैठ कर टेबल पर आप सबको साथ मिलकर आप मामलात को तय करें। पाकिस्तान सबका साझा है, हमें कोई हक नहीं है कि किसी पर गद्दारी के खिताब देने का और इल्जाम लगाने। अच्छा आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन? फेवरेट पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, ये नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी। बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। अच्छा आपकी मुलाकात हुई कभी कोई, आप अगर वो तो हमारे घर आके 8 दिन रही। अच्छा वो एक्सपीरियंस शेयर करें ना। खैर जाना मैं आपको बताती हूँ, वो तो एक एक बात पे मेरी इतनी तारीफ करें कि हद कोई नहीं। मैंने कहा इन्होंने तो मुझे मेड से बढ़ के कभी रुतबा नहीं दिया, आप इतनी बड़ी शख्सियत हो के तो इतनी तारीफ करती, ये ओवरलुक कर जाते थे। अच्छा अच्छा तो बेनजीर को वो मैरीन राजा ने, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मुझे इस वक्त डर का एयरपोर्ट पे जाए छोड़। अच्छा हम लोग गए तो शी वाज स्टैंडिंग, तो मुझे कहती है हाउ कम यू आर नॉट कमिंग। आई सेड आई डोंट हैव द कार्ड। सेनेटर कम हियर, गिव हर योर कार्ड। आप सोचेंगे, फिर इन्होंने दिया मुझे। सेनेटर था। अच्छा उसके बाद ना रुखसत कर दिया, कोई उनके साथ नहीं बैठ सकता था। 10 मिनट गुजरे तो बीबी आ रही इधर उधर, आई सेड यू हैव कम बैक। कहती है टू थैंक यू एंड योर सन एंड योर डॉटर इन लॉ। प्लेन ने राउंड लगा लिया था। इसने पायलट को कहा रोको। परेशान हो गए। दिस इज व्हाट बीबी वाज। और मैं उनके लिए दुआ बिल्कुल करती थी, कहती थी योर प्रेयर्स आर वर्किंग लाइक मैजिक, बहुत इज्जत करती थी। जरदारी साहब बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं और ही इज ए वेरी वेरी डाउन टू अर्थ लो की प्रोफाइल पर्सन, इसलिए अल्लाह की रहमत उनके ऊपर है। सारी दुनिया ने कहा कि उनको ना दो, फ्रॉम जीरो टू हीरो, अल्लाह की तो मर्जी आ जाती है, जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। तो इसलिए मैं जरदारी साहब की भी तारीफ करूंगी, बिलावल उससे भी ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, बिलावल का सियासत में मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा। ये जो यंग जनरेशन है, मतलब यंग जनरेशन इन गुड लुकिंग है, यंग है, ही इज अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि काफी लोग तनकीद करते हैं। मतलब कि ये मरियम हो गई, बिलावल हो गए, तो बहुत ज्यादा जो सीनियर सियासतदान है उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से और दूसरी पार्टियों के, तो बड़ा इख्तलाफ करते हैं, तो वो उम्र पर बड़ा टारगेट करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में आई थिंक कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे, लास्ट ईयर ईद का प्रोग्राम था, तो मैंने ये सवाल उठाया था
कि तजर्बा ठीक है मैटर करता है, तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ होता है एक्सपीरियंस, लेकिन किसी की उम्र से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें टैलेंट की कमी होगी, परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो मुझे तो इस चीज़ से बड़ा अलग-अलग इख्तलाफ है। कई बार एक यंग बंदा आपको वो चीज़ सिखा देगा कि इसने बाल सफ़ेद क्यों किया, मैंने बाल कहाँ बैठ के सफ़ेद किए, इसने तो मुझसे ज़्यादा काम की बात कर दी। तो बिलावल को या मरियम को, चले मरियम की उम्र बिलावल से ज़्यादा होगी, बिलावल को उम्र के लिहाज से जो लोग बड़ा तंज करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस पर ज़रा खुलकर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जी ईद शो स्पेशल ऐसे नहीं चलेगा, और मेरे साथ बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उनकी अहलिया मुसरत साहिबा, और बड़ी बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। अच्छा लतीफ़ साहब, बिलावल के हवाले से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा था, उनकी उम्र के लिहाज से, उम्र के हवाले से बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं जी, यहाँ तक कह देते हैं तुम तो बच्चे हो, जो चीज़ मुझे लगता है बड़ी गलत है, क्योंकि बिलावल ने बहरहाल अपनी उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से बड़ी अच्छी सियासत की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उम्र का कोई, ठीक है तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन तजर्बा तो उनकी नस्लों में आ रहा है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से, मतलब घर में सियासत देखी ना उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने फ्रॉम द क्रैडल ऑफ द मदर, माँ उसकी जो है प्राइम मिनिस्टर थी जिस वक्त वो कंसीव हुए हैं, उनकी जो है वलादत थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, तो आप मतलब ये तो वो एक नेचुरल एक माहौल में ही घर में, बिल्कुल ना घर का माहौल ही सियासत, मुझे कहते हैं जी आपसे को सराई की बड़ी ज़बरदस्त आती है, तो माँ अगर सराई की थी तो मुझे सराई की, हालांकि मेरी तालीम का जो मर्जी हुआ जैसा, लेकिन जो मैंने माँ से सीखा है, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तालीम में हम बहुत, एक ऐसी बस्ती से जहाँ बिजली भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी, हम उस उफक पर पहुँचे कि अल्लाह ताला का बहुत करम रहा। मेरा कज़न जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, मेरा दूसरा कज़न मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी था, एक और मेरा आईजी था, हम एक ही बस्ती से, लेकिन अल्लाह ने देखे मेरा ना बिजली थी ना सड़क थी, तो ये आपको माहौल जो मिलता है या फिर आप जो उस पर बिल्ड करते हो, जिस तरह आप मेहनत करते हो, अल्लाह उसकी जिला देता है, उसका सिला देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी में देखें, बिलावल भुट्टो का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मैं आपको बताऊं, एक तो मैं उनके साथ 4 साल सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है, और उस दौरान में भी मैंने देखा बहुत शार्प वो पिकअप करते हैं, फिर ऑक्सफर्ड के पढ़े हुए हैं, उनकी ज़रा तालीम का बैकग्राउंड भी देखें, यहाँ के जितने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस हैं उन सब में से वो ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, तो तालीम का जेवर से आरास्ता होकर जद्दी पुश्ती खानदानी वो जो है एक इंडॉक्ट्रिनेशन लेकर जीन्स में आई है उनके ये पॉलिटिक्स जो है, और फिर वो बहुत तेज़ी से सीखा। नागहानी जो उनकी वालदा की फौत वो वफात हुई ना, वो असल में इतनी अब्रप्ट और इतनी अननेचुरल और इतना अनटाइमली थी कि वो बीबी शहीद अभी बाहर ही बच्चे थे, पढ़ रहे थे अभी, उनको जो है वो मौका ही नहीं मिला है कि बीबी उनको इस तरफ ट्रेनिंग दे के उनको लैंग्वेज जो है उर्दू की तरफ माइल कर सके, तो ये बाहर कैफ मैं समझता हूँ उसने इतनी तेज़ी से सीखी है, इतनी तेज़ी से उस पर अबूर किया है कि अब वो किसी के साथ भी बड़ा फ्रीक्वेंसी के साथ बोलते हैं, और फिर वो जो टांगे कांपने वाली बात बड़ी हुई है उसको वो किया जाता है, उसको देखें उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया उसको, कैसे एक्सप्लेन किया कि वो अल्टीमेट होती है उसकी स्टेज जो होती है कांपे टांकने वाली, तो उसने कैसे उसको कवर किया इंटेलिजेंटली। फिर आप देखेंगे जब वो किसी भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के या फॉरेन डेलीगेट के साथ बात करता है तो पाकिस्तान का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है, हमारा भी, कि देखें जी हमारा जो लीडर है, हमारा चेयरमैन है, किस शान से बात कर रहा है। ये बस भुट्टो में भी था, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो में, और जब वो कैनेडी ने उसे कहा कि मिस्टर भुट्टो आर यू कॉन्शियस यू आर स्टैंडिंग इन द मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये जे एफ कैनेडी ने कहा व्हाइट हाउस में उसे, भुट्टो को कहता है, और भुट्टो का बर्जस्ता जवाब देखें, उसने कोई पर्ची नहीं निकाली, भुट्टो का बर्जस्ता जवाब निकला कि यस मिस्टर प्रेसिडेंट इट इज़ अंडर माई फीट, तेरी ये अजीम जो इमारत है ये मेरे कदमों के नीचे है, ये देखें इंटेलिजेंस है। और किसिंगर ने उसे लिखा कि स्टेट्समैन पॉलिटिशियन नहीं, ही इज द
बहुत बड़ी और उसने कहा कि कंटेम्प्रेरी पॉलिट जो स्टेट्समैन है इसमें सबसे ज्यादा टावरिंग पर्सनालिटी है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, भुट्टो साहब को और फिर बेनजीर का भी, बेनजीर इसी घर में थी तो दुनिया का कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था जो बेनजीर के साथ बात। अच्छा, भुट्टो साहब बतौर वजीर आजम तो याद रखे जाते होंगे, लेकिन बतौर वजीर खारजा मुझे बड़े दबंग लगते थे। मतलब मैं जब उनका रोल याद करती हूँ कि एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एज फॉरन मिनिस्टर, तो मुझे एज फॉरन मिनिस्टर जो उनका किरदार था वो बड़ा दबंग लगता है। भुट्टो साहब को जब भेजा इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एज ए फॉरन मिनिस्टर उस वक्त गए थे तो वहाँ आपको बाहर जाके डील करना है दूसरे लोगों के साथ। जी, उन्होंने वहाँ यूनाइटेड नेशंस में कहा माय कंट्री हार्कन्स फॉर मी, उनकी स्पीच बड़ा याद रखी। वेस्टिंग माय टाइम, जिस तरह उन्होंने दुनिया के मुंह पर जो है एक तमाचा मारा कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ये बात भी आप ये गौर करें कि तब पाकिस्तान को बने हुए दो दहाइयां हुई मैक्सिमम, तो मतलब एक नया मुल्क ही था ना अगर देखा जाए। नहीं नहीं, भुट्टो तो खैर, और उस टाइम पर बिलावल के अंदर, मैं आपको बताऊँ, बिलावल के अंदर अपने नाने का स्पार्क भी है, अपनी माँ का भी उसके अंदर है, और बाप का हौसला और तदब्बर है। आप देखें बिलावल हंसता रहता है हमेशा। इस पर जितनी बात करें, नहीं होते तंकीद पर। नहीं नहीं, कभी वो गुस्सा नहीं खाया है, कभी उसने बदकलामी नहीं की है, कभी उलझा नहीं है किसी के साथ। मैं कभी ग्रंबल भी नहीं किया। आप कम से नहीं की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो है जो 60-70 साल के पॉलिटिशियंस हैं उनको सीखना चाहिए, वो इस तरह की जबान जिनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको सीखना चाहिए कि तहम्मुल या बर्दाश्त। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मैं इसलिए भी रैंक करता हूँ, उसके अंदर जो तदब्बर और हौसला है वो एक बहुत ज्यादा टॉलरेंस, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि बरगुजीदा शख्सियत के बराबर है उनका वो हौसला। अच्छा, मरियम का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं? मतलब आप एक खातून है, मैंने कहा खातून का सवाल खातून से पूछा जाए, मरियम नवाज का मुस्तकबिल आप सियासत में कैसे देखती हैं? मरियम अच्छी है, मतलब अपने बाप का बहुत ज़्यादा पीछे से मिशन को कैरी कर रही हैं। ठीक है, एंड पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन हाँ आप कह सकती हैं खुलकर, थोड़ा सा ना इनमें और उनमें फर्क है, बिलावल और मरियम में आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक। अच्छा, वैसे एक खोसा साहब, मरियम का हमजा से भी लोग कंपैरिजन करते हैं, तो मरियम और हमजा का अगर कंपैरिजन करना आपको कमेंट? देखें, ये आपस में उन बहन भाइयों का, यानी फर्स्ट कजन्स हैं, ये उनका मसला है, लेकिन मैं तो कम से कम मरियम को रैंक बेहतर, एक उनकी जो डिबेटिंग स्किल्स है मेरे ख्याल से, वो उन्होंने काफी इख्तलाफ हो सकते हैं, नहीं, काफी कॉन्फिडेंस के साथ मरियम बात करती हैं, बिल्कुल, और क्राउड पुलर भी हैं, बिल्कुल क्राउड पुलर भी हैं इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि बाहर क्या, हमजा ने भी बड़ी मार खाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमजा जब ये बाप और चाचा को जब मुल्क बदर कर दिया गया था तो पीछे हमजा ही था, हमजा ने जेल में भी काटा है और 19-20 साल उसने जो है एक मशक्क़त की है, मरियम ने भी की है, मैंने ये कह रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मरियम को फीमेल होने का भी एक एडवांटेज है, फिर वो खुश गुफ्तार भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, बात से बात निकाला, बात से बड़ी गुफ्तगू करना, कुछ चीजें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड आपके अंदर टैलेंट होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, मैं उनको, वो फिर डिपेंड करता है आप उनको पॉजिटिव वे में यूज करें या नेगेटिव में करें, वो एक अलग डिबेट है। सो इस हिसाब से मैं एज जो है मरियम को ज्यादा, यूनिटी बहुत ज्यादा इस फैमिली में, और जिस तरह से वो कैरी कर रही हैं कि जी बड़े बड़े भाई और छोटे भाई में इख्तलाफ है, उनके बच्चों में इख्तलाफ है, लेकिन अब हमने देखा कि जिस तरह मतलब हमजा की कैंपेन बकायदा मरियम करती रही, हालांकि इख्तलाफात का भी सभी को पता है, बिल्कुल हाँ हो, लेकिन जब दुनियादारी की बात आती है तो सभी इकट्ठे, तो वो जो एक रख रखाव या लिहाज होता है वो एक है, ज्यादा है। उनकी फैमिली, ये तो उनमें क्वालिटी है ना, यूनिटी भी है, टॉलरेंस भी है, ठीक है जी, और उनकी फैमिली का जो डिसिप्लिन है ना, उसमें उनके बड़े जो पहले थे वालिद साहब, यानी बड़ों ने जो डिसीजन ले लिया बस उसका कंट्रोल, और ये मशहूर है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज ये अपने बाप के सामने बैठते नहीं थे, ये खड़े रहते थे, ये बात है, यानी मुअद्दब इतने थे और उनका हुक्म जो है वो हर्फ आखिर होता था। अब इसी तरह आप नवाज शरीफ का जो है कहना जो है वो हर्फ आखिर है सारी फैमिली के, अब बड़े की हैसियत से, सो अगर इख्तलाफात हों भी तो भी वो उसमें कवर हो जाते हैं। इनकी वालदा जो है नवाज शरीफ की मदर, मैंने सुना है कि उन्होंने आज तक तहज्जुद नहीं छोड़ा, तो उसका इनको फल मिल रहा। यहीं से शुरू करेंगे इसी बात से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत सा कपल मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, एक बात अब ये साबित हो गई कि उनकी दुआओं की वजह से अब गवर्नर बने, और एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उन्हें प्रैक्टिकली साबित हो गया। फिर एक और बात, दुआ का हाथ है जी। मैं दरूद शरीफ की बात बता रही हूँ। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़। आई वेंट टू अ दरस, उधर एक DMG ऑफिसर थी, तो उसने कहा किसी से, अल्लामा इकबाल से पूछा कि तुम्हारी 5 languages में किताब की ट्रांसलेशन है और सड़कों के नाम और जो, तो आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने 1 करोड़ दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ा। मैं घर आ गई, मैंने कहा अच्छा तो मैं क्यों ना शुरू करूं। 31 मार्च 2007 को मैंने दरूद पाक शुरू किया पढ़ना। 7 महीनों के बाद बेनजीर शाह महमूद कुरैशी पूरी दुनिया हमारे घर के चक्कर लगा। बताएं, बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस। बताएं, और फिर मैंने, इनके दोस्त थे अकबर ख्वाजा, मैंने उनको कहा कि बात सुने, ये इस्लामाबाद की बात है, इन्होंने नहीं मुझे बीबी से मिलाना, तो मुझे सिर्फ 2 घंटे। आपको शौक था मिलने का और आपको इनसे उम्मीद नहीं रही कि नहीं मिलवाएंगे? पता नहीं, ये समझते नहीं है मुझे। अच्छा, तो मुझे 2 घंटे चाहिए। शाम को फहमीदा मिर्जा का फोन नहीं आ गया कि बीबी इज कमिंग बैक एंड शी वुड लाइक टू स्टे इन योर हाउस। फिर इन्होंने मैसेज करवा के, उन लोगों का नाम ले रही है जो आजकल हमारे साथ नहीं है। पहले शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, अब फहमीदा मिर्जा बीबी। नहीं नहीं, मैंने सेनेटर को कहा था। अच्छा, वैसे फहमीदा मिर्जा साहब आपको देखिए, वो आपकी पार्टी में हो या ना, इख्तलाफ आपने देखा, लेकिन बहुत ग्रेसफुल था। नहीं नहीं, वो हमारे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने पहली दफा ही उन्हें जो स्पीकर बनाया था, तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर, फीमेल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि इस्लामी दुनिया में किसी ने भी, तो बीबी को तो बहुत ज़्यादा था ना। पीपल्स पार्टी का ये तुर्रा इम्तियाज़ तो है, हमने फीमेल को प्रमोट किया। हिना रबानी खर को हमने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, आपने देखा कितना ग्रेसफुली उसने कंडक्ट किया। तो ये बीबी खुद हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर थी दुनिया इस्लाम की, जो पहली से फिर 2 सेकंड टाइम भी बनी है। और हमारे आप पार्टी में भी देखें, हमने जजेस भी सुपीरियर कोर्ट्स में हमने बनाए, फीमेल जजेस को प्रमोट किया। तो बीबी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है, हमारे यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है, सच्ची बात है, एथनिक भी नहीं है हमारे यहाँ, रिलीजियस बिगेट्री भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कायद आज़म ने भी माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा जो दिया था, हमारे पार्टी में भी माइनॉरिटी को हम माइनॉरिटी नहीं समझते। फातिमा जिन्ना का किरदार देख लें, मतलब उस ज़माने में। जी हाँ, फातिमा जिन्ना तो खैर अजीम थी, हमने बदकिस्मती से मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो बहुत मतलब है हमारा, हमने कोई उनकी कदर नहीं की है फातिमा जिन्ना की, जिस तरीके से उनके आखिरी अयाम में उनकी रैलत भी हुई और फिर उनको इलेक्शन से भी हराया गया। हार सकती थी मादरे मिल्लत, हार सकती थी इलेक्शन, वहाँ से तो हमारी सारी कबाहतें शुरू हुई, इलेक्टोरल डिबैकल हमारे शुरू हुए। आज तक हम संभल नहीं सके हैं कि इलेक्शंस पे हम जो है शफाफियत का शायबा भी दे सकें, और यही हमारी कौम की अलमिया है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में हम उनको अवाम की सही तर्जमान जो है ऊपर नहीं आते हैं। जब अवाम के सही तर्जमान जो है पार्लियामान में नहीं आएंगे, हुकूमतों में नहीं आएंगे, तो फिर पहले दिन से रोज़े अव्वल से ही उसका मॉरल फाइबर जो है कमज़ोर हो जाएगा और फिर वो वेवर्ड हो जाएगा। आज हमारी सारी कंफ्यूजन इसी वजह से है। अच्छा, मौसीकी से लगाओ है आप लोग? मौसीकी से किसे लगाओ? मैंने कहा ईद का, अच्छा मैंने तो ये प्रोग्राम के आगाज में मैंने कह दिया था कि आज हम सियासी बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आगाज में ये भी कह दिया था कि सियासी बातें होंगी, कहीं ना कहीं सियासत तरफ जाएगी गुफ्तगू। देखिए, मौसीकी तो ये रूह की गिज़ा है। किस सिंगर को शौक से सुनना पसंद करते, गजलें सुनते हैं आप या किस किस्म का? मेहदी हसन बहुत था, आजकल जो है ये माशाल्लाह अभी आजकल राहत फतेह अली बहुत ज्यादा, क्या बात है उनकी है, लता मंगेशकर, इसलिए ये मैडम नूरजहां। हां, मैडम नूरजहां की क्या बात है, ये तो एक ऑल टाइम जो है। यंग सिंगर्स में आपको कौन पसंद है, जो अभी नए सिंगर्स आगे आ रहे हैं? बहुत अच्छे टैलेंट है। हां नहीं, बहुत टैलेंटेड है आतिफ है, बहुत टैलेंटेड है ये जितने यंग हमारे म्यूजिशियंस हैं, बल्कि हमारी इंडस्ट्री की फिर रिवाइवल हो रही है माशाल्लाह। अगर आप देखें तो
हमारे यहाँ जरा थोड़ा फाइनेंशियल हमारा, हमने इसको एक इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट नहीं किया है। देखिये हमारे अमानत इज वेरी गुड, हम इसको इंडिया के साथ बॉलीवुड के साथ, उनके तो हाँ तो धर्म है, उनका तो दीन है, हम इसको नेगेटिव लेते हैं। हाँ। हमारे यहाँ अगर कोई जाना चाहे बच्चा बच्ची तो सबसे पहले तो घर वाले उसके रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अच्छा बल्कि यहाँ तक बात की जाती है तो बहुत से एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं कि जी हमें एक्टिंग करनी है, ठीक है आपकी अपनी एक चॉइस है, तो अब तो बकायदा लोग पढ़कर आ रहे हैं, डायरेक्शन को पढ़कर आ रहे हैं, होना तो ऐसे ही चाहिए। अब वो बहुत से लोग जिस पुराने जमाने के लोग हैं तो वो अक्सर बड़े उनकी मासूमियत भी बड़ा क्यूट भी लगता है, वो अक्सर मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि जी मेरी दादी कहती हैं कि आप तुम एक्टिंग करती हो, इसके अलावा तुम क्या करती हो, नहीं इसके अलावा करती क्या हो, काम क्या करती हो, जॉब क्या करती हो, मतलब वो पूछना करती है कि हाँ, ये एक एक्स्ट्रा काम है, तो वो कहती मैंने बताया कि मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं यही करती हूँ, ये काम है। तो वो जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं कि शायद ये एक एक्स्ट्रा काम है, और इसके अलावा आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कहीं पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चर, आप क्या करते हैं, इसलिए कि दुनिया में आप इसको करियर लेते नहीं। एब्सोल्युटली आप दुनिया में अगर देखें तो आपको कहीं चले जाएं यूरोप में, अमेरिका के लिए चले जाएं, या आपको स्पोर्ट्स नजर आएगी। हाँ। या आपको कल्चरल प्रोग्राम्स देख रहे हो। अच्छा वैसे एक हमारे यहां टॉक शोज देख रहे होते हो। हाँ, अब तो बिल्कुल। हम हमारे यहां एक और चीज बड़ी अच्छा चेंज है ये कि जी हमारे यहां लोग तनकीद भी बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा अपना नाम बना लेता है तो फिर रिश्तेदार ही कहते हैं कि फलां साडा ए लगदा है, इससे हमारा ये ताल्लुक है कि हमारे भाई का बच्चा है, हमारी बहन का बच्चा है। वो तो ये इसको इसको कैसे देखते हैं, वो तो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, ये तो है ना। लेकिन अगर जो सक्सेस पे जाना चाह रहा था, अगर वो तब तनकीद से तनकीद सुन के मायूस हो जाता, अपने सफर को रोक लेता, रुक जाता, तो फिर तो जाहिर है कि इसका मतलब सफर जारी रहना चाहिए, क्योटिक होता फिर तो तबाही होती ना। ठीक है, अच्छा आपने मौसीकी का जिक्र किया, कोई एक्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आप कहें जी आप इतनी तारीफ उनकी करते मेरी भी कर दिया करें, कोई अदाकारा जिनकी बहुत तारीफ करते हो, जिनकी मूवीज बहुत शौक से देखते हो, आपको याद है? मैं ज्यादा मूवीज वगैरह नहीं देखती। और ये इनको इनको कोई एक्ट्रेस पसंद है जो बहुत ज्यादा इनकी तारीफ करते हो? मौसीकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एंड नदी हसन वगैरह, ठीक है। आजकल हमारी अपने ही उसमें है अमानत अजबरी। जी जी ठीक है, तो आपको कोसा सब कोई एक्ट्रेस बहुत ज्यादा पसंद हो? देखिए एक्ट्रेसेस हमारी जो ये है पसंद ही नहीं, उन्होंने कह दिया नहीं पसंद, लेकिन वो कुछ और बताना चाह रहे हैं। वैसे देख लेते हैं, नहीं पसंद। इतना यकीन है आपको, ये तो बड़ी खूबसूरत, आते घर में ही है जो मर्जी कर ले, मेरी मर्जी के बगैर काम भी नहीं करते, ये भी बता दूं। She is such a pure soul, माशाल्लाह। You're blessed to have her. जो मैं कहूं होता वो ही है। जो मर्जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जी? ये तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, ये खुद भी चाहते हैं। नहीं, पूछ के करते हैं। ये तो वो तो समझदार है ना, घर का माहौल भी अच्छा है। नहीं, देखें जी, खामोश रहना में ही आपकी इज्जत है घर में, जो मर्जी कर ले आप बोलोगे तो फिर मेरे। अच्छा ये बड़ा एक आपने बड़ा अच्छा एक 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 टॉपिक मतलब छेड़ दिया मेरे जहन में चाहने का कि आजकल ना तलाक बहुत ज्यादा हो रही है, यंग जो कपल्स हैं शादी हुई 6 महीने बाद तलाक हो रही है, 8 महीने बाद लव मैरिज हो रही है, तलाक हो रही है, पहले से जानते हैं एक दूसरे को, 5-6 साल से जानते हैं, अच्छा इतना नहीं समझ पाया 5-6 साल में कि शादी होते ही 3 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि तलाक हो गई, तो क्या ये टॉलरेंस की कमी है? आप उन यंग कपल्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़माने में माशाल्लाह मैंने जितने भी कपल्स देखे हैं हैप्पीली मैरिड हैं, आप लोगों के भी मसाइल होते होंगे, ये तो नहीं कि मसाइल नहीं होते होंगे, टॉलरेट करना पड़ता है, एक लड़की है वो किसी और घर से आती है, उसका बैकग्राउंड और होता है, फिर आती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ, तो नए घर में आके ना सिर्फ शोहर को समझना है, शोहर की माँ को भी समझना है, बाप को, देवर जेठ जेठानियाँ देवरानियाँ नंदे सबको समझना है, सबको साथ लेकर चलना है, इम्तिहान तो होता है, लेकिन आजकल क्या जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं है उसमें कि वो नहीं चला पा रहे? देखें ये मैं समझता हूँ कि दोनों स्पाउसेस को अपना दूसरे का ख्याल रख के टॉलरेशन टॉलरेट करना पड़ेगा, और बेहतर है कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए मैं समझता हूँ कि बॉसिश ना हो, और बाकी तो मामला जाहिर है कि और फिर उसको आज़ादी होनी चाहिए अपना। अच्छा इसमें बड़ों का भी किरदार, आप देखते हैं कि बड़ों का किरदार होता है दो लोगों को जोड़े रखने में? जॉइंट फैमिली हमारी चूंकि है नहीं इसलिए मैं इस मामले में नहीं कह सकता, लेकिन जॉइंट फैमिली में आजकल के कपल्स जो है वो
डिस्टर्ब्ड रहते हैं, मतलब आपके ख्याल है कि जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिस्टर्ब्ड रहते हैं, फिर जाहिर है जो बच्ची आती है उसके अपनी जो है औकात होते हैं उसका है। इसी तरह अगर उनकी बहनें आ जाएं, भाई आ जाएं, दूसरे आ जाएं तो उनके साथ भाभियां आ जाएं तो देवरानियां हो जाएं, ये वो वहाँ फिर जो है जाहिर है मसाइल ज़्यादा होना शुरू, हाँ चलता है, शुरू हो जाता है। अगर बेहतर तो सबसे है, लेकिन हर एक का होता नहीं है, जॉइंट फैमिली ही में जाना पड़ता है तो वहाँ फिर जाहिर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है जी, चले जी, अब क्लोजिंग का वक्त करीब आ रहा है, आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को और फिर आपकी तरफ आ। मैं लास्ट यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, नथिंग मोर नथिंग लेस, फियर ऑफ गॉड इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, पीरियड। मैं फिर आपको थोड़े से बोल सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, बहुत प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, आई होप कि आपने प्रोग्राम को बहुत इंजॉय किया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने कृपा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।